हम लोग जा रहे अभी जलेबी लाने के लिए, तंग भी बोली जलेबी खाएंगी और साथ में साथ छोले भटूरे आपको मैं छोले भटूरे भी ले आएंगे। दूर है यहाँ से? नहीं दूर नहीं है। अरे अल्लाह बारिश हुई है, बारिश होगी खुदा हाफिज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मी चैनल। कैसे हैं आप? जो उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे मज़े में होंगे और खुश होंगे। तो जी ये अब सुबह का वक्त है और यहाँ पे हम लोग सब उठ चुके हैं, बहुत अच्छी नींद आई। और इनका घर कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे धूप ही नहीं पड़ती है तो टाइम का पता नहीं चलता है, आप दिन भर सो जाएं ऐसे घर में। तो बस यहाँ पे कुछ ऐसे यही हाल हुआ हम लोगों का, हम बहुत लेट से उठे। और ये अभी जो है ज़ेबा उठ गई है तो पूड़ी बना रही है, पूड़ी के साथ यहाँ पे चना आलू की सब्ज़ी बनाएगी। और मुजम्मिल जैसा आपने देखा कि वो गए हैं जलेबी लाने के लिए और साथ में छोला भटूरे लेकर आएंगे, मुझे बड़ा मन करा था तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं देखता हूँ, मिल गया तो ले आऊँगा। और अभी यहाँ पे हम लोग पूड़ी बना रहे हैं। और यहाँ पे एक बात बताओ कि पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, जो मकान मालिक है वो पानी देते ही नहीं है तो बार बार उन्हें रिमाइंड करना पड़ता है, तब जाकर फिर वो मोटर ऑन करते हैं। तो आप यूँ समझ लीजिए कि यहाँ पे जितने टैप्स हैं ना वो जस्ट वेस्ट हैं। आप यहाँ इस घर में तो तरस जाएंगे कि आप एक शावर ले लें या फिर एक अच्छे से आप नहा सके, टैप खोल के आप कुछ काम कर सके, बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ ये बकेट में सर पानी को रखते हैं और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है उससे इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए भी इन्हें बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे। और रही बात अगर दिखाऊँ आपको कि क्यों इनके पास कुछ भी नहीं है, शादी हो चुकी और शादी के आपको पता है काफ़ी महीनों के बाद ये बैंगलोर आए थे लेकिन अभी तक इनका घर सेट नहीं हुआ है, तो आखिर कौन सी ऐसी रीज़न है? तो बहुत जल्दी आपको इसके बारे में बताऊँगी कि आखिर क्या बात है कि अभी तक इन्होंने अपना घर सेट नहीं किया है। तो चलिए फ़िलहाल तभी हम लोग नाश्ता करेंगे और मुजम्मिल भी आ गए हैं यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे प्लेट की इतनी दिक्कत है, बर्तनों की इतनी दिक्कत है कि हम लोग जो है, मैंने कहा कि बेटर अच्छा होगा कि हम लोग को डिस्पोजेबल प्लेट्स दे दो, उसी में हम लोग खाना खा लेंगे, वरना बर्तन जो गंदे होंगे उनको धोने का ही सबसे बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम चल रहा था। और साथ में जो है बहुत लिमिटेड प्लेट्स और कटोरी यहाँ पर थी। तो एनीवेज अभी तो यहाँ पे नाश्ता हम लोग कर रहे हैं और नाश्ते में इतनी सारी चीज़ें हो गई थी, जो छोला है, पूड़ी है, चना आलू की सब्ज़ी और कल रात का जो शाही पनीर था वो है, तो बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे नाश्ते में हो गई थी। चले लेट होगा, कल 9 बजे दुकान ही बंद होगी, 9:30 हम लोग कितने टाइम हो गया, ऐसा नहीं कि वीडियो के लिए बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा डिजाइन है, मुझे एक बार टिफिन सेंटर है ना, बहुत सस्ता है यार, एकदम मतलब बहुत नॉर्मल रेट में इतना क्लीन, मतलब 70 रुपए का आपको चाउमीन मिल रहा है। अभी शाम का वक्त है तो अभी सब लोगों ने प्लान किया कि थोड़ा बाहर होकर आते हैं और आज ज़ेबा और मुजम्मिल ने सोचा कि जो भी मुझे पसंद है वो सारी चीज़ें मुझे खिलाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे पहली बार मैं ना फ्लेवर्ड पानी पूरी खाने जा रही हूँ, जहाँ पे डिफरेंट वैराइटीज़ के जो है पानी देते हैं। तो मैं सुना था कि मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, तो इन्होंने कहा कि चलिए आपको वो ट्राई कराते हैं, लेकिन जब गए तो पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, 2-3 जो थे ना मटके उसे पानी ख़त्म हो चुका था। तो हम लोग कहते हैं कि दे दो भाई जो भी जल्दी से हमें खिलाओ। और दोपहर का खाना हम लोगों ने स्किप कर दिया था एक्चुअली, क्योंकि काफ़ी लेट से नाश्ता हुआ था तो इसलिए शाम में थोड़ी जल्दी भूख लग गई और हम सभी बाहर आए हैं यहाँ पे पानी पूरी ट्राई करने के लिए। रेगुलर 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 वाला खाई दी बस बस और नहीं खाएंगे, बहुत खा लिया, बस और नहीं खाएंगे। तो अब नेक्स्ट हम लोग आ गए हैं ब्लूम बेरी कैफ़े और यहाँ पे दोनों पहले भी आ चुके हैं, मुजम्मिल ज़ेबा, और उन्हें यहाँ का जो भी केक है ना चीज़ केक वो बहुत पसंद आया था तो इसलिए हमें भी ट्राई कराने के लिए लेकर आए थे। और इसका एम्बियंस तो बड़ा प्यारा था, सर्विस भी बहुत अच्छी थी यहाँ की, लेकिन चीज़ केक आज अवेलेबल नहीं था
तो फिर ये लगा चलो कुछ और जो बाकी चीज़ें अवेलेबल है वो ऑर्डर कर लेते हैं। तो यहाँ पे उन लोगों ने एक पिस्ता केक ऑर्डर किया था और एक टार्ट एप्पल टार्ट ऑर्डर किया था, और बस यही दोनों चीज़ें ऑर्डर की थी। लेकिन पेट तो इतना भरा था पानी पूरी से कि हम लोग इसे भी बहुत मुश्किल से हम खा पाए। और उसके बाद फिर बारी आई कि हम अब जाते हैं डिनर करने के लिए। तो जस्ट इमेजिन कि ऑलरेडी हम लोग इतना कुछ खा चुके हैं, अब डिनर खाने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन उसने कहा कि एक उड़िया होटल है यहाँ पे, वो भी ट्राई कर लो, अच्छा रहता है, सिंपल खाना रहता है। तो बस हम लोग यहाँ पे आए हैं क्योंकि पानी की बहुत दिक्कत है घर पे, जैसा आपको बताया, और बर्तनों की बहुत दिक्कत है। तो इसलिए हम लोगों ने भी सोचा कि चलो परेशान नहीं करते हैं और इस होटल में हम जो भी खाना मिलेगा सादा खाना वो खा लेंगे। और घर से, इनके घर से ये थोड़ा पास पड़ता है, तो फिर हम बस यहीं पे आज हम लोग यहाँ पे डिनर करेंगे। भैया अंकल दो दो और अंकल ग्लास देंगे पानी दे सारे लोग का प्लेट खाली पड़ेगा ये चाहिए वो चाहिए अच्छा है लगा कहीं पे ज्यादा है देखिए आपका साथ देती हूँ ना, मैं बोल देती लोन करता लोन करता है, कुछ मिले नहीं है तो लोन करता बचता है। कितना क्यों लिखा रहा है आप नींबू, फिर इतना क्यों लिखे आते हैं ज्यादा लोग है ना, आपको तो बना के दी ही नहीं खुशबू मजी से। तो जी अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, साथ में ज़ेबा भी हमें ज्वाइन कर रही है, और मुजम्मिल एक दो दिन के बाद आएंगे, उन्हें यहाँ पे कुछ काम है। तो जो भी घर का सामान है बचा कुचा लेके जाने वाला उसे हम देख रहे हैं और लेके जा रहे हैं। हस्बैंड मेरे कार में बैठे हुए हैं वेट कर रहे हैं। तो बस अब यहाँ से जाने का वक्त आ चला, बहुत अच्छा वक्त भी था यहाँ पे, और बस बहुत जल्द रमज़ान, एक दो दिन के अंदर रमज़ान भी आ जाएगा, तो बस हमें घर जल्दी पहुँचना है। और चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।